Good morning, Bachao. I am science teacher from NPS school, Kapil. आज मैं आपको करवाऊंगा साइंस का 10th क्लास का एक लेसन है एसिड बेस एंड क्षार अम्ल क्षार तथा लवण। सबसे पहले हम जानते हैं कि अम्ल क्या होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अम्ल यानी कि एसिड क्या होते हैं। एसिड के बारे में जो अवधारणाएं हैं, जो विचार है, वो सबसे पहले ये है कि एसिड या अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। यानी कि ये अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग अवधारणाएं दी थी एसिड और क्षार के बारे में। सबसे पहले जो अवधारणाएं थी वो थी अपने पास अर्नियस के अकॉर्डिंग। अर्नियस ने ये कहा था कि वे पदार्थ है जो जलीय विलयन में नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, या फिर ऐसे कहिए कि जो वे पदार्थ जो जलीय विलयन में अम्ल को जो एच पॉजिटिव देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें HCl की, तो HCl जलीय विलयन में H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव देते हैं। यानी कि अर्नियस ने यह कहा था कि अगर HCl को पानी में घोला जाता है तो ये H पॉजिटिव आयन देता है, इसे हम अम्ल या फिर एसिड कहेंगे। यानी कि HCl के बाद में अगर हम बात करें HNO3 की, तो HNO3 भी जलीय विलयन में अपने पास है H पॉजिटिव प्लस NO2 नेगेटिव। ये देखिए आपके पास H2SO4 भी हो सकता है, H2SO4 H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। यहां पर अपने पास HCl है, HCl के नीचे आप लिख दीजिए एक्वा। एक्वा का मतलब होता है आप HCl को पानी में डिजोल्व कर रहे हैं। एक्वा यानी कि वाटर का केमिकल नेम होता है एक्वा। HCl को जैसे ही पानी में डालेंगे ये H पॉजिटिव आयन देगा, इसे हम कहते हैं अम्ल। यानी कि अम्ल की अगर डेफिनेशन लिखे तो दो सब्सटेंस विच गिव H पॉजिटिव आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H पॉजिटिव आयन देते हैं उन्हें हम कहते हैं एसिड। अब देखिए एसिड दो प्रकार के होते हैं। एक को कहा जाता है स्ट्रॉन्ग एसिड और एक को कहा जाता है वीक एसिड। हिंदी मीडियम में स्ट्रॉन्ग एसिड को बोलेंगे प्रबल अम्ल और वीक एसिड को बोलेंगे दुर्बल अम्ल। स्ट्रॉन्ग एसिड वो होते हैं जो पानी में जाने के बाद में 100% आयनों के अंदर टूट जाते हैं, उसे हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। The substance which dissociate 100% in aqueous solution, या the acid which dissociate 100% in aqueous solution, जो पानी में 100% पानी में जाने के बाद में 100% टूट जाए उन्हें हम कहते हैं strong acid। और जो 100% ना टूटे, हो सकता है 100 से कम टूटे, उन्हें हम कहते हैं weak acid। यहाँ पर 100% का मतलब होता है कि जितना आपने एसिड अमाउंट में जितना लिया है उतने का उतना आयन में टूट जाए, उसे बोलते हैं 100%। और जो 100% आयन ना दे उसे हम कहते हैं वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड की अगर कैटेगरी में हम देखें तो स्ट्रॉन्ग एसिड में आते हैं आपके पास HNO3, स्ट्रॉन्ग एसिड में आते हैं H2SO4, स्ट्रॉन्ग एसिड में आपके पास आते हैं HCl, स्ट्रॉन्ग एसिड में एक्सेट्रा HNO3, H2SO4, HCl। जो अपने पास H2SO4 है इसे बोलते हैं किंग ऑफ केमिकल अम्लों का राजा। H2SO4 अम्लों का राजा होता है, HNO3 यानी कि अमोनिया अम्लों की रानी होती है। दिस इज नोन एज क्वीन ऑफ केमिकल, दिस इज नोन एज किंग ऑफ केमिकल H2SO4। उसके बाद में अपने पास आती है वीक एसिड। वीक एसिड में आपके पास आएगा CH3COOH, दिस इज कॉल्ड एसिटिक एसिड, इसे बोलते हैं विनेगर। 5 से 8% सॉल्यूशन एसिटिक एसिड का विनेगर कहलाता है। एसिटिक एसिड के बाद में आपके पास है HCN हाइड्रोजन साइनाइड, एक आपके पास है H2S एक्सेट्रा। ये सभी सॉल्यूशन सभी एसिड वीक एसिड कहलाते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड में डिफरेंशिएट पता लग गया, इनके एग्जांपल पता लग गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कोई भी एसिड आपने देखा होगा जब जल में डालते हैं यानी कि पानी में जब इसको डिजोल्व करते हैं तो एक H पॉजिटिव आयन दे सकते हैं, वो दो H पॉजिटिव आयन दे सकते हैं, वो तीन H पॉजिटिव आयन दे सकते हैं।
अगर कोई भी एसिड एक्वा सॉल्यूशन के अंदर है, एक एच पॉजिटिव आयन देता है, अगर एक एच पॉजिटिव आयन देता है तो उसे हम बोलते हैं मोनोबेसिक एसिड, उसे हम बोलते हैं मोनोबेसिक एसिड। हिंदी में इसे बोलेंगे एक क्षारीय अम्ल, हिंदी में इसे बोलते हैं एक क्षारीय अम्ल। अगर इसी टाइप से H2SO4 को अगर तोड़ते हैं, H2SO4 को अगर तोड़ेंगे तो ये H पॉजिटिव है प्लस SO4 2 नेगेटिव, यहां पर 2H पॉजिटिव, यानी कि ये दो H पॉजिटिव आयन देते हैं, इसलिए इसको डायाबेसिक एसिड कहा जाता है, डायाबेसिक एसिड, यानी कि द्विक्षारकीय अम्ल हिंदी में इसे बोलेंगे H2SO। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात सुनिएगा, अगर हम एग्जांपल लेते हैं H3PO2 का, एग्जांपल लेते हैं H3PO3 का, एग्जांपल लेते हैं H3PO4 का और एग्जांपल लेते हैं H3BO3 का। H3PO2 ये कितने H पॉजिटिव देगा डिपेंड करेगा इनके स्ट्रक्चर पर। ये स्ट्रक्चर है H3PO2 का, ये स्ट्रक्चर है H3PO3 का, ये स्ट्रक्चर है H3PO4 का और ये स्ट्रक्चर है H3PO3 का। सबसे इंपॉर्टेंट बात है H3PO2 जो फास्फोरस के ऑक्सो एसिड बोलते हैं, फास्फोरस के P और ऑक्सीजन का ये बॉन्ड प्रत्येक के फास्फोरस के स्ट्रक्चर में बढ़ना चाहिए, इसे बोलते हैं एसेंशियल बॉन्ड, ये जरूरी होता है स्ट्रक्चर बनाते टाइम। अब जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है वही हाइड्रोजन यहां से निकलेगा, इसका मतलब H3PO2 के अंदर है कितने हाइड्रोजन यानी कि निकल रहे हैं, एक, तो इसे बोलते हैं मोनोबेसिक एसिड, ये होता है मोनोबेसिक एसिड यानी कि एक क्षारकीय अम्ल। इसमें ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं दो, इसका मतलब ये देता है 2H पॉजिटिव आयन, ये देता है 3H पॉजिटिव आयन। अगर हम बात करें H3BO3, इसका नाम होता है बोरिक एसिड, इसका नाम होता है बोरिक एसिड, इसको हिंदी में बोलते हैं बोरिक अम्ल, हिंदी में इसको बोलते हैं बोरिक अम्ल। जैसे हम फास्फोरस के ऑक्सो एसिड देख रहे थे कि जिस हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ी है वो हाइड्रोजन निकलेगा, इसमें तीन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़े हैं पर इसमें कभी भी तीन हाइड्रोजन नहीं निकलते, ये सिर्फ मोनोबेसिक होता है। इसका रीजन क्या है, जैसे ही बोरिक एसिड को पानी में डाला जाता है, बोरिक एसिड को लिखने का तरीका ये भी हो सकता है BOH की थ्राइस ऐसे भी लिखा जा सकता है या फिर H3BO3, बोरिक एसिड को लिखने के दो तरीके। अगर BOH3 को थ्राइस को पानी में जैसे ही डिजोल्व करते हैं तो ये BOH की 4 प्लस H पॉजिटिव आयन देता है, देख लीजिए जैसे ही BOH3 को पानी में डाला जाता है तब ये एक पॉजिटिव आयन देता है, इसलिए बोरिक एसिड हमेशा ही मोनोबेसिक एसिड कहलाता है, मोनोबेसिक एसिड कहलाता है, मोनोबेसिक एसिड। तो ध्यान देना, अगर एग्जाम में आपसे पूछ ले कि H3PO3 कि बेसिसिटी कितनी है, एक बात और इंपॉर्टेंट बात है, जितने ये हाइड्रोजन आयन दे रहे हैं इनको कहते हैं अम्ल की या एसिड की बेसिसिटी, इन्हें कहा जाता है अम्ल की बेसिसिटी, नंबर ऑफ एच पॉजिटिव आयन गिवन बाय एन एसिड इज नोन एज ए बेसिसिटी। तो सबसे पहले अगर बात करें H3PO2 की तो इसकी बेसिसिटी 1 है, इसकी बेसिसिटी 2 है, इसकी बेसिसिटी 3 है, पर बोरिक एसिड में अगर आएंगे तो इसकी बेसिसिटी 1 है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लीजिए कि बोरिक एसिड में जो बेसिसिटी होती है वो 1 होती है, याद रखना है। अब बात ये इंपॉर्टेंट है कि हमने एसिड के बारे में जान लिया कि एसिड अर्नियस के अकॉर्डिंग, वैज्ञानिक आते हैं अर्नियस, वैज्ञानिक का नाम है अर्नियस, हिंदी में लिखेंगे अर्नियस,
अर्नियस ने यह कहा था कि कोई भी सब्सटेंस है या कोई भी पदार्थ है जो जलीय विलयन में एच पॉजिटिव देते हैं उन्हें हम एसिड कहते हैं, और ये एसिड के कुछ एग्जांपल हैं, और हमने उन्हीं एग्जाम एसिड की बेसिसिटी निकाल के हमने चेक किया। इसके बाद में हम देख रहे हैं कि क्षार क्या होते हैं। वे पदार्थ, बेस बोलिए या क्षार बोलिए, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH नेगेटिव आयन देते हैं। अगर हम बेस की बात करें कि बेस क्या होते हैं, हिंदी में इसको बोलेंगे क्षार क्या होते हैं, तो वे पदार्थ यानी कि दो सब्सटेंस विच गिव OH नेगेटिव आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, जलीय विलयन के अंदर वे पदार्थ जो OH नेगेटिव आयन देते हैं उन्हें हम कहते हैं बेस। अगर बेस की एग्जांपल देखें तो हमारे पास है NaOH, हमारे पास है KOH, हमारे पास है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, और हमारे पास है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये सभी बेस के एग्जांपल हैं। अब बेस भी स्ट्रॉन्ग होते हैं और बेस भी वीक होते हैं, प्रबल क्षार भी होते हैं, दुर्बल क्षार भी होते हैं। अब जो वाटर के अंदर, जैसे अगर NaOH की बात करें, इसे बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड है, अगर NaOH की बात करें एक्वा सॉल्यूशन में, तो ये NaOH है, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव देता है। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में या एक्वा सॉल्यूशन में OH नेगेटिव आयन देते हैं उन्हें हम कहते हैं बेस। NaOH और KOH ये दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग बेस की कैटेगरी में आते हैं, K पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, ये दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग बेस की कैटेगरी में आते हैं, ये दोनों हैं स्ट्रॉन्ग बेस। अगर हम बात करें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की, तो ये कैल्शियम 2 पॉजिटिव प्लस OH 2 नेगेटिव। इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ने दो OH नेगेटिव आयन दिए हैं। अगर हम बात करें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी दो OH नेगेटिव आयन देता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जो नेम है इसे बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अगर हमारे स्टमक में एसिडिटी बढ़ जाती है तब हम इसका यूज करते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, जिसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अब बात करें इनकी एसिडिटी, बेस की हमेशा एसिडिटी चेक की जाती है और अम्ल की हमेशा बेसिसिटी चेक की जाती है। ये कितने OH नेगेटिव आयन दे रहा है, एक, तो ये दोनों KOH और NaOH दोनों के दोनों एक OH आयन दे रहे हैं, इसलिए इसकी एसिडिटी जो हुई है वो अपने पास है, इसको बोलते हैं अम्लीयता, हिंदी में इसको बोलते हैं अम्लीयता। तो KOH और NaOH की अम्लीयता एक होती है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की अगर अम्लीयता देखें तो अपने पास होती है दो। अब कौन सा अम्ल या कौन सा क्षार कितना प्रबल है कितना दुर्बल है, ये चेक किया कैसे करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कौन सा अम्ल कितना प्रबल है और कितना दुर्बल है। देखिए, मान लेते हैं कि आपके पास है H3PO4। अगर ये एक हाइड्रोजन डोनेट करता है, एक हाइड्रोजन रिलीज करता है, क्योंकि ये एसिड है, तो ये बनेगा H2PO4 एक नेगेटिव, इसने एक हाइड्रोजन रिलीज किया है। यहां पर कोई हम स्थिरांक लगाते हैं, कोई कांस्टेंट लगाते हैं, जिसको हम बोलते हैं Ka1, यानी कि Ka1 को बोलते हैं एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। ये जो एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट है, जितनी एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा होगी उतना ही कोई भी एसिड है स्ट्रॉन्ग होगा, उतना ही कोई भी एसिड क्या होगा स्ट्रॉन्ग। याद रखना, जितनी Ka की वैल्यू ज्यादा होगी उतना ही कोई भी एसिड स्ट्रॉन्ग होगा। एवं तो इसमें से तीन हाइड्रोजन निकालने हैं, सबसे पहले हाइड्रोजन एक एक करके निकालने हैं, सबसे पहले एक हाइड्रोजन निकालना, उसके बाद में दूसरा हाइड्रोजन इससे रिलीज करना है H2PO4 नेगेटिव, ये दूसरा हाइड्रोजन रिलीज होगा। इसके लिए जो एसोसिएशन सॉरी एसिड कांस्टेंट है उसका नाम है Ka2। अगर हम बात करें HPO4 2 नेगेटिव की, तो ये फिर एक हाइड्रोजन रिलीज करेगा, इसके लिए बनेगा
PO4 3 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, ये K है। जितनी के ए की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, के टू की वैल्यू उससे कम, के थ्री की वैल्यू उससे कम, ये एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है कि कौन से एसिड की कितनी के ए ज्यादा। जितनी ज्यादा के ए वैल्यू होगी, जितनी ज्यादा डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट होगा किसी भी एसिड का, वो एसिड उतना ही स्ट्रॉन्ग, उतना ही प्रबल एसिड कहलाएगा। एक बात और, अब अर्नियस ने यह कहा था कि कोई भी पदार्थ जो जलीय विलयन में है, जो एक्वस सॉल्यूशन में H पॉजिटिव देता है, उसे एसिड कहते हैं। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर हम ड्राई HCl की बात करें या ड्राई CO2 की बात कर लो या फिर ड्राई HCl की बात करें, तो HCl के बारे में अर्नियस ने कुछ नहीं कहा। क्यों? क्योंकि यहां पर वर्ड हमने यूज किया ड्राई HCl, तो ये अर्नियस की लिमिटेशन थी कि अर्नियस ने ड्राई HCl के बारे में कोई भी, इसके व्यवहार के बारे में कोई भी व्याख्या नहीं की, चाहे ड्राई HCl हो, CO2, PCl5, SF6, इनके बारे में अर्नियस ने कुछ नहीं बताया। इसका मतलब ये अर्नियस की लिमिटेशन या सीमाओं के अंदर आएंगे। इसके बाद में बात करनी है अर्नियस के बाद में जो बात आती है, दूसरा वैज्ञानिक है, उसका नाम है ब्रोंस्टेड है और लोरी कंसेप्ट। उन्होंने एसिड और बेस के बारे में क्या कहा? ब्रोंस्टेड ने यह कहा कि कोई भी पदार्थ जो H पॉजिटिव देते हैं उन्हें एसिड कहते हैं। इंपॉर्टेंट बात, उसने किसी भी जलीय विलयन या एक्वस सॉल्यूशन की बात नहीं की। अगर हम बात करें ब्रोंस्टेड के कंसेप्ट की, तो देखिए अगर हम बात करें ब्रोंस्टेड एंड लोरी एसिड बेस कंसेप्ट, ब्रोंस्टेड ने ये कहा कि कोई भी सब्सटेंस जो H पॉजिटिव आयन देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? एसिड कहते हैं। इसने कोई भी जलीय विलयन का नाम नहीं लिया, ये बिना जलीय विलयन के, बिना एक्वस सॉल्यूशन के, इसने डायरेक्ट कह दिया कोई भी सब्सटेंस जो H पॉजिटिव आयन देते हैं उन्हें हम एसिड कहते हैं, कोई भी सब्सटेंस जो OH नेगेटिव आयन देते हैं उन्हें हम कहते हैं बेस। ये अपने पास आएगा एसिड और ये अपने पास आएगा बेस। थोड़ी सी आगे की बात कर लेते हैं। अगर HCl अपने पास एसिड है, HCl ने क्या दिया? H पॉजिटिव आयन दिया, प्लस में क्या निकला? Cl नेगेटिव। अगर HCl आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इससे बनने वाला Cl नेगेटिव जो आयन है, इसे हम कहते हैं कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड का बेस कॉन्जुगेट बेस होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड किस में कन्वर्ट हो जाता है? कॉन्जुगेट बेस में। तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि Cl नेगेटिव आयन जो है वो कॉन्जुगेट बेस किसका है? तो याद रखना है HCl का कॉन्जुगेट बेस कौन है? Cl नेगेटिव आयन। ये Cl नेगेटिव आयन तब बनेगा जब ये H पॉजिटिव को रिलीज करेगा। और भी एग्जांपल हो सकते हैं कॉन्जुगेट बेस के, जैसे हमने एग्जांपल लिया था HClO, एक है HClO2, एक है HClO3 और एक होता है HClO4। जो सबसे छोटा होता है उसमें यू वर्ड यूज करते हैं हाइपो, उससे बड़े को एस लगाते हैं, उसके बड़े के पीछे एक और सबसे जो बड़ा होता है उसे बोलते हैं पर। तो इसका नाम होता है हाइपोक्लोरस एसिड, इसका नाम होता है क्लोरस एसिड, इसका नाम होता है क्लोरिक एसिड और इसका नाम होता है पर क्लोरिक एसिड। सबसे स्ट्रॉन्ग अगर एसिड की बात करें तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। कैसे पहचानोगे? जिसमें सबसे ज्यादा ऑक्सीजन आएगी वो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। याद करने का तरीका है, जिसमें सबसे ज्यादा अगर ऑक्सीजन आ जाए तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। जो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसका कॉन्जुगेट बेस जो होता है वो सबसे वीक माना जाता है। अगर इसका कॉन्जुगेट बेस बात करें तो इसमें से हाइड्रोजन भाग निकाल दो तो यह आएगा ClO नेगेटिव। अगर इसका कॉन्जुगेट बेस की बात करें तो हाइड्रोजन बाहर निकाल दीजिए, ClO2 नेगेटिव। इसका कॉन्जुगेट बेस आएगा ClO3 नेगेटिव, इसका कॉन्जुगेट बेस आएगा ClO4 नेगेटिव। HClO4 पर क्लोरिक एसिड जो होते हैं वो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसका मतलब इसके द्वारा बनने वाला कॉन्जुगेट बेस सबसे वीक में आएगा। तो याद रखना है जिसका कॉन्जुगेट बेस वीक होता है वो एसिड स्ट्रॉन्ग होता है। तो HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है क्योंकि इसका कॉन्जुगेट बेस क्या है? एक वीक है। एक बात और,
अगर एफसीएल इसका मतलब एक आइडिया हम ले सकते हैं कि अगर पेपर में मान लेते एग्जांपल आ गया कि एचएफ है, एचसीएल है, एचबीआर है और एचआई, इनमें सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, ये सभी एसिड है, पहली बात है इनमें सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि जो आवर्त सारणी होती है, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, उसमें साइज किसका बड़ा है। अगर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हम देखें तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ऊपर से नीचे आते हैं, इसका मतलब जैसे ही हम ग्रुप में चलते हैं तो एटम का साइज बढ़ता है। जैसे ही एटम का साइज बढ़ेगा, दोनों एटम के बीच की जो बॉन्ड लेंथ है, जो दोनों अमल के या दोनों सब्सटेंस के या दोनों एटम के बीच की जो बॉन्ड लेंथ है वो ज्यादा होती रहेगी। इसका मतलब है सभी में हाइड्रोजन तो कॉमन है, पर अगर आयोडीन की बात करें तो आयोडीन का साइज सबसे बड़ा है, बीआर से बड़ा है, और बीआर का साइज क्लोरीन से और क्लोरीन का साइज फ्लोरीन से। इसका मतलब सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होगा, एचआई। क्यों? क्योंकि एचआई की बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, यहां से हाइड्रोजन का निकलना काफी आसान हो जाएगा। तो ये बेसिक स्ट्रेंथ सॉरी एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है एचएफ, एचसीएल, एचबीआर और एचआई का। ये प्रोस्टेट लोरी कांसेप्ट था, लोरीन प्रोस्टेट और लोरीन ने ये कहा था कि जो एच पॉजिटिव देते हैं उन्हें हम एसिड कहते हैं, जो OH नेगेटिव देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, बेस। अब तीसरा जो अपने पास कंसेप्ट है वो अपने पास है लेविस कंसेप्ट। तीसरे कंसेप्ट का नाम अपने पास है लेविस। लेविस ने क्या कहा, अगर लेविस की बात देखें कि लेविस एसिड बेस कंसेप्ट, लेविस एसिड बेस कंसेप्ट, तो लेविस ने यह कहा था कि कोई भी सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन पेयर, एक इंपॉर्टेंट वर्ड यूज किया इलेक्ट्रॉन पेयर, कोई भी सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन पेयर या कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करता है, एक्सेप्ट, तो उसे हम बोलेंगे एसिड। और कोई भी सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है तो उसे हम बोलेंगे बेस। उसे क्या बोलेंगे, बेस। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें NH3 की, तो NH3 के नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट होते हैं। इसके साथ में हम बात करते हैं BCl3, तो बोरोन का एक ऑर्बिटल खाली होता है, इसका मतलब बोरोन के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है, नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो ये नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर बोरोन को दे देगा। इसका मतलब बोरोन इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, और अमोनिया का नाइट्रोजन जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। तो यहां पर ये बोरोन जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है, इसका मतलब ये एसिड का काम करेगा, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा, इसका मतलब ये बेस का काम करेगा। इसे जो जिस वैज्ञानिक ने बताया था इसे बोलते हैं लेविस एसिड और बेस। तो याद रखना पेपर में अगर आपसे ये पूछे कि NH3 एसिड है या बेस है तो इसका आंसर आएगा नो, क्योंकि कंसेप्ट जिस वैज्ञानिक ने दिया उसके अकॉर्डिंग सोचना है। अगर वो पेपर में पूछे कि NH3 लेविस के अकॉर्डिंग एसिड है या बेस है तो आपको बताना है अमोनिया जो है वो एक बेस है, लेविस बेस कहलाता है अमोनिया, क्योंकि नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है, इसलिए इसको बोलते हैं लेविस बेस। इसके बाद में हम बात करेंगे एसिड बेस हो गया, अब हम बात करते हैं साल्ट की। जब कोई भी एसिड है किसी भी बेस के साथ रिएक्ट करता है तो आपके पास साल्ट प्लस वाटर बनता है, साल्ट प्लस वाटर। अगर हम बात करें कोई भी एसिड है जैसे HCl ले लिया, HCl रिएक्ट करता है NaOH के साथ है, तो यहां से वाटर बाहर निकलेगा, यहां से H और यहां से OH, तो यहां से वाटर बाहर निकल गया और प्लस में बन गया NaCl। अब बात यह है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो साल्ट बनते हैं, जो लवण बनते हैं वो अम्लीय है या क्षारीय है या उदासीन है, ऐसे का कैसे पता लगेगा। भी कोई भी जो साल्ट है वो साल्ट एसिडिक है या फिर बेसिक है या वो साल्ट न्यूट्रल है, इस बात को कैसे पता चलेगा। सुनिए सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए जो सब्सटेंस एस नीले लिटमस को, जो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर दे उसे हम बोलते हैं एसिड। क्या बोलते हैं, एसिड। हिंदी वालों के लिए है जो नीले लिटमस को लाल में कन्वर्ट कर दे उसे अम्ल बोलते हैं। इसके लिए ट्रिक भी याद रख सकते हैं, अनिल, यानी कि अम्ल नीले लिटमस को लाल में बदल देता है
इसलिए इसका याद रखने की ट्रिक है अनिल। इंग्लिश वालों की याद रखने का ट्रिक जो ट्रिक है वो ए बी रोड है। ए बी रोड का मतलब अमल जो एसिड है वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करते हैं, ए बी रोड। ऐसे याद रख सकते हैं, ब्लू लिटमस को जो रेड में कन्वर्ट करते हैं उन्हें एसिड बोलते हैं। अब एक बात देखिए कि ये तो एसिड बेस की पहचान हो जाती है, हम साल्ट को कैसे पहचानेंगे? तो सुनिए, यहां पर अगर हम बात करें HCl, तो आपको याद रखना है HCl जो होता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में आता है। कौन सी कैटेगरी में आता है? स्ट्रॉन्ग एसिड, पर्पल अमल। NaOH जो आता है वो स्ट्रॉन्ग बेस यानी कि पर्पल क्षार की कैटेगरी में आता है। अगर स्ट्रॉन्ग अमल, स्ट्रॉन्ग बेस, पर्पल अमल और पर्पल क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं, तो हमेशा याद रखना जो साल्ट बनेगा, जो लवण बनेगा वो हमेशा उदासीन होगा। वो हमेशा कैसा होगा? उदासीन होगा, यानी कि न्यूट्रल होता है। याद रखना है इसका मतलब, इसका पीएच क्या होगा? 7। याद रखना है पीएच क्या होगा? 7। एक बात और है, अगर आप HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड ले लीजिए, एक वीक बेस ले लीजिए। अगर हम बात करें HCl की, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, आपके पास हम ले रहे हैं MgOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इससे बनेगा मैग्नीशियम क्लोराइड और प्लस में बनेगा आपके पास वाटर। प्लस में क्या बनेगा? वाटर। अब बात यह है कि बनने वाला मैग्नीशियम क्लोराइड नेचर में कैसा है? एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है? इस बात का पता करते हैं। आपको पता है HCl स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में आता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस में आता है। जब पर्पल अमल है दुर्बल क्षार के साथ अभिक्रिया करता है, तो याद रखना जो स्ट्रॉन्ग होगा सॉल्यूशन उसी की नेचर का आएगा। अगर यहां पर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो सॉल्यूशन अम्लीय ही बनेगा, साल्ट अम्लीय ही बनेगा। इसलिए मैग्नीशियम क्लोराइड जो होता है वो नेचर में एसिडिक होता है। थैंक यू।